Good morning, students. I hope you all are fine at home. Students, today we have worksheet number 59, date 28 November 2020, subject English, class 10th. Students, today we have an excerpt from 100 dresses, part 1. आज की वर्कशीट में 100 ड्रेसेस का एक छोटा सा अंश दिया हुआ है. एंड यू नो दैट 100 ड्रेसेस इज़ एन वेरी इमोशनल स्टोरी अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की, हु वॉज ए पॉलिश गर्ल बट नाउ लिव्स इन अमेरिका. वेंडा पेट्रॉन्स्की की कहानी है ये, जो कि पोलैंड की रहने वाली थी और अमेरिका में रह रही है. वी नो दैट वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन स्कूल. हम लोग जानते हैं कि वेंडा जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं था. शी वेंट स्कूल अलोन एंड शी केम होम अलोन. अकेले वो स्कूल से आती थी और अकेले ही जाती थी. शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस बट इट वॉज क्लीन. वेंडा के पास एक ही ड्रेस होती है ब्लू कलर की, जो फेड हो चुकी है, पर ये साफ रहती थी. एंड इट लुक्ड एज दो इट हैड नॉट बीन आयरन प्रॉपरली. पर इस ड्रेस को देखने पर ऐसा लगता था कि कभी आयरन ही नहीं किया गया था. वन डे इन द क्लासरूम पैगी आस्क्ड वेंडा दैट हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट. एक दिन क्लास में पैगी वेंडा से पूछती है कि वेंडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं. एंड वेंडा रिप्लाइड शी हैड 100 ड्रेसेस. और वेंडा रिप्लाई करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है. शी वॉज प्रेटी एंड शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. पैगी के पास बहुत ड्रेसेस हैं और उसके बाल जो कर्ली हैं, घुंघराले. और इनकी एक और कॉमन फ्रेंड है मैडी. मैडी वॉज पैगीज क्लोज फ्रेंड एंड शी वॉज पुअर इंडीड. मैडी पैगी की क्लोज फ्रेंड है और जो कि बहुत गरीब थी. और जिस दिन पैगी ने वेंडा से पूछा था कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, वेंडा ने बताया था पूरे 100 ड्रेसेस उसके पास हैं. उसी दिन से पैगी वेंडा का मजाक बनाना शुरू कर देती है. फ्रॉम दैट डे पैगी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ वेंडा बिकॉज शी न्यू दैट वेंडा इज टेलिंग अ लाई, कि वेंडा झूठ बोल रही है. इसीलिए उसका मजाक वो बनाती है. और मैडी पैगी को रोकना चाहती थी कि वो वेंडा का मजाक ना बनाए, क्योंकि उसे लगता था कि आज वेंडा का मजाक बनाया जा रहा है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है. वहीं से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम लोग. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अटेंशन का मतलब ध्यान देना. इन्वेंटेड मीन्स टू क्रिएट समथिंग, टू इन्वेंट. और यहाँ शी मैडी के लिए यूज किया गया है. पहली लाइन देखिए. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अगर पैगी ने ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो मैडी का वेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता. इफ ड्रेसेस गेम हैड नॉट बीन इन्वेंटेड बाई पैगी, मैडी वुड हैव नेवर नोन अबाउट वेंडा. मैडी कभी वेंडा के बारे में जान ही नहीं पाती अगर ये गेम शुरू नहीं हुआ होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. स्टार्टेड इन ऑन ये एक फ्रेज है. फ्रेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. फ्रेज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग अ मीनिंग. दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बना होता है जिसका कोई मीनिंग हो. स्टार्टेड इन ऑन यहाँ फ्रेज है जिसका मतलब है टू क्रिटिसाइज करना किसी को.
पैगी को लगता है कि आज अगर सॉरी मैडी को लगता है कि आज अगर पैगी को ना रोका गया तो उसका भी नंबर आ सकता है, उसका भी मजाक बनाया जा सकता है। मैडी वॉन्टेड टू स्टॉप पैगी बिकॉज शी न्यू दैट शी कुड बी नेक्स्ट। ये लिखा है ना स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यहाँ पर इसका मतलब है मैडी कुड बी नेक्स्ट, जिसका मजाक बनाया जा सकता है। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर। मैडी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा बट शी वॉज पुअर इंडीड। मैडी वेंडा की तरह पुअर तो नहीं थी पर हाँ वो पुअर जरूर थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 dresses एंड मैडी वॉज नॉट सेंसलेस। मैडी सेंसलेस नहीं थी वेंडा की तरह जो ये बता दे कि उसके पास भी 100 dresses हैं और सब लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर दें। इसीलिए यहाँ कहा गया है ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 dresses। इसीलिए उसे पता था कि उसे ये नहीं बताना कि उसके पास भी 100 dresses हैं। मैडी फेल्ड अनकम्फर्टेबल नॉट बिकॉज शी केयर्ड अबाउट वेंडा। जब पैगी वेंडा का मजाक बनाती है तो मैडी अनकम्फर्टेबल फील करती है, इसलिए नहीं कि उसे वेंडा की केयर थी बल्कि इसलिए बिकॉज शी वॉज वरीड शी कुड बी नेक्स्ट। उसे इसकी चिंता थी कि कहीं अगली बार उसका मजाक ना बनाया जाए। ऑल दो शी वॉज नॉट सेंसलेस इनफ टू से शी हैड 100 dresses और वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो भी कहे कि उसके पास भी 100 dresses हैं। आपका जो आज एक्सट्रैक्ट था वो इतना ही था। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, हु इज शी इन द अबव लाइन। जो ऊपर लाइन में शी यूज़ किया गया है वो किसके लिए, पैगी के लिए, वेंडा के लिए, मैडी के लिए या एलन के लिए? तो यहाँ पर शी यूज़ किया गया है मैडी के लिए। 3 आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। मैडी जो सोचती है कि उसका भी नंबर आ सकता है, उस समय मैडी का इमोशन या एक्सप्रेशन जो है वो कैसा रहा होगा? वो खुश होगी, कंफ्यूज होगी, उसे गुस्सा आ रहा होगा कि अपने ऊपर वो मर्सी फील कर रही होगी। ये ऑब्वियस है कि उसे गुस्सा भी आ रहा होगा और डर भी रही होगी। तो इसमें 4, 3 दोनों हो सकता है पर 3 बेस्ट है। उसके अंदर डर होगा कहीं उसका नंबर अगला ना हो। थर्ड क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वहाँ से आपको ट्रू स्टेटमेंट पिक करना है। पहला है पैगी वॉज पुअर, पैगी गरीब थी, पैगी पुअर नहीं थी। पैगी इसलिए गरीब नहीं थी बिकॉज शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, ये नहीं होगा। मैडी एंड वोंडा बोथ वर पुअर, दोनों गरीब थे, ये सही है। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल। मैडी को डर था कहीं पैगी उसका मजाक बनाना ना शुरू कर दे, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, ओनली वेंडा इज़ पुअर, केवल वेंडा ही गरीब है। नहीं, वेंडा और मैडी दोनों गरीब थे तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन है। ये सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। जो स्टार्टेड इन ऑन फ्रेज था इसको एक बार आप डिक्शनरी में लुकअप करेंगे, इसका मतलब आप देखेंगे, वैसे मैंने बता दिया था, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग, किसी को क्रिटिसाइज करना। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसे आप अपने आप करेंगे, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहाँ स्टार्टेड इन ऑन का यूज सबसे करेक्ट हुआ है। वैसे पहला देखेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड
डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट. आपको बताना है इन्वेंट जो वर्ड है ये किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब सिमिलर मीनिंग कैरी नहीं करता इसमें से जो वर्ड दिए हुए हैं. इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट, खोज करना या बनाना, टू क्रिएट समथिंग. पहला क्रिएट, जिसका मतलब इन्वेंट ही होता है. दूसरा इनोवेट, इनोवेट का भी यही मतलब है, इनोवेट करना. तीसरा टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है निकालना या हटाना, रिमूव करना. फोर्थ या ओरिजिनेट लिखा, यहाँ ओरिजिनेट होगा, तो यहाँ इन्वेंट कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता टर्मिनेट के साथ, क्योंकि इन्वेंट का मतलब होता है खोज करना और टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना. नौकरी से निकालने के लिए भी टर्मिनेट यूज किया जाता है, तो टर्मिनेट इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है क्रिएट का मतलब भी इन्वेंट के सिमिलर है और इनोवेट मतलब कुछ नया शुरू करना, कुछ नया खोजना. तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा टर्मिनेट. और इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है. हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.